जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई, मैं शॉप पे हूँ और मेरे पास में अभी एक एलईडी ठीक होने आई थी और मैं उसको बैकलाइट पे उसकी चेंज कर रहा था। तो यार कस्टमर बोल रहा था कि मैंने वो एलईडी ली है 12,000 से 15,000 रुपए के बीच में। अब आप सोच लो 12,000 और 15,000 की एलईडी अगर उसने ली है तो यार कम से कम कुछ तो चले ना चले, वो कस्टमर की किस्मत है। लेकिन भाई कम से कम यार बनाने वाला कुछ क्वालिटी तो दे। अभी मैं तुम्हें उसकी अंदर की हालत दिखाता हूँ एलईडी की। भाई कभी भी ना किसी अनजान से, किसी ऐसे बंदे से जिसको आप नहीं जानते हो, प्लस जिसका बैकग्राउंड ठीक ना हो, जो कहीं से भी बाजार से आप एलईडी ले आओ तो मत लो भाई। नॉर्मल टीवी देख लो यार, उससे अच्छा दो। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ हालात उस एलईडी। कैमरा चेंज करता हूँ, आप देखो किस तरह की एलईडी दी है और साल भी नहीं हुआ है इस एलईडी को अभी। इसकी एलईडी की ये वाली फट्टी खराब थी और मैंने ये एक बल्ब लगा के ये एलईडी की फट्टी ठीक कर ली। वो अलग विषय है, कस्टमर ने बोला था कि भाई ठीक ही कर दो, रिपेयर ही कर दो। तो मुझे लगा, मैंने कहा भी कि सब चेंज करवा लो, उसने कहा नहीं नहीं आप रिपेयर ही कर दो। तो आप इसकी क्वालिटी देख लो, ये थर्ड क्वालिटी। आज तक मैंने जितनी भी एलईडियां, देखो मेरे पास इतनी सारी एलईडी हैं मार्केट से, लोकल भी हैं, ओरिजिनल भी हैं, लेकिन एलईडी की फट्टी मैंने सबसे घटिया जो देखी आज तक यही देखी है। ऐसे लचक रही है, इसमें जान ही नहीं है। दूसरा, इसका जो आप पेपर देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, इसका जो बैक पेपर है वो इतना घटिया इन्होंने लगा रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये। और हल्का सा मैंने इसको, ये देखो यार ये क्या चलेगी यार, ये देखो आप देख रहे होंगे ये सब डस्ट है। 8-7 महीने के अंदर में ये हाल हो गया इसका। ये जितने भी ये निशान है ये सब डस्ट के निशान है। अभी मैं रूमाल एक कपड़े से इसको क्लीन करूँ वहीं, लेकिन आप ये देख लो इसके बैक लाइटें सब खत्म है यार। ये इसको मुझे रिपेयर करने में शर्म महसूस हो रही है और मैं कस्टमर को क्या जवाब दूँ। इसकी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन जो मैंने अभी ये रिपेयर किया, मैं अभी इसको लगाऊंगा, ठीक है, ये तीनों लाइन की बैक लाइट खत्म हो चुकी है इसकी। ये बैक लाइट भी जल्दी जाने वाली है, वो अगला विषय है, कोई उसकी कोई बात नहीं। लेकिन क्वालिटी क्या लगाई यार 12-14 हज़ार रुपये में, क्या सोच के लगाया कि कस्टमर एक ही साल चलाए। ये इसका ये हाल देख लो, ये इसकी शीट है बिल्कुल बकवास। और एक मैं तुम्हें कार्ड भी दिखा देता हूँ इसका, ये है भाई इसका छोटा सा कार्ड, एक कॉम्बो कार्ड बोलते हैं इसको, छोटा सा कार्ड है। और पैनल सिंगल कोट का पैनल है जो कभी रिपेयर नहीं होता, दिखा देता हूँ, ये रहा, ये सिंगल कोट का पैनल है इसका। एक बार ही खराब हो जाए तो कभी रिपेयर ही ना। और इतना पतला है, इसको उठाने में मेरे को अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ी। लचक एक पत्ते के बराबर इसमें ताकत नहीं है, कागज के बराबर मुड़ जाता है। इसे उतारने में ही समझ लो लाइन आ गई, हमेशा ये रिस्क बना ही रहेगा कि लाइन आ जाए स्क्रीन पे। तो भाई इतनी थर्ड क्वालिटी की चीज दे रहे हो मार्केट में यार, हद है भाई। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, मैं सबको एक ही सलाह देता हूँ कि भाई अच्छी चीज खरीदो। अगर आज 10-15 हज़ार रुपये कहीं ऐसे ही कबाड़े में दे आए यार, ये हाल देखो ना इसका, एक साल भी नहीं हुआ भाई, गिफ्ट में मिली थी कहीं से इनको, गारंटी में तो दे नहीं सकते इसको।
गिफ्ट में मिली है जी। तो क्या दिया भाई गिफ्ट वाले ने? तो भाई किसी पे भरोसा मत करो, अच्छी एलईडी लो, आपका साथ दे दो चार साल। यार 12-14 हज़ार रुपये एक साल के अंदर में अगर जा रहे हैं तो 1000 रुपये महीना हो गया भैया, 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस हो गया ये तो, 10 लाख रुपये आपका मेडिक्लेम हो सकता है इतने पैसों में। 1000 रुपये महीना आपके ऐसे ही चले जा रहे हैं कबाड़े में, क्या पिक्चर क्वालिटी निकल के आएगी? ये देख लो गला पड़ा यार। तो भाई सभी को मैं कह रहा हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली है, अच्छा सेट लो, लालच मत करो लेते वक्त, कंपनी मेड सेट ले लो यार, या कोई भरोसेमंद दुकानदार हो ना जिसके पास आप जाके फेंक सकते हो कि ले ये पकड़ तुमने क्या पकड़ा है, उस टाइप से लो, लूटो मत यार इस तरह। हैरान हूँ यार मैं आज ये एलईडी देख के कि लोग ऐसी भी एलईडी बना के बेचते हैं। क्या सोचा था यार बनाते वक्त में कि ये 6 महीने चले या साल भर ही चले बस? क्यों एलईडी का नाम बदनाम कर रहे हो यार? मैन्युफैक्चर वालों को खास करके भाई, कोई बना रहा हो मेरा सब्सक्राइबर हो तो भाई बता दूं, अच्छी चीज देख रहे हो यार, 12-14 हज़ार रुपये ले लेते हो, देते क्या हो आप? ये सब देते हो आप? ये आपकी बैकलाइट की शीट है, ये ऐसी चलेंगी? ये आपकी स्क्रीन है, वो आपका पैनल मैंने दिखाया आपको, ये आपका कार्ड है यार, ये क्या है? 4000 रुपये की भी नहीं बनती भैया ऐसी, 4000 रुपये की इससे अच्छी बन जाएगी? कहाँ से ले आते हो चोर बाजार से माल? भाई अच्छी एलईडी लिया करो भाई, कस्टमरों से निवेदन है अच्छी एलईडी लिया करो, ये बकवास एलईडी बिल्कुल मत लो, ये किसी काम की नहीं है। अब मैं दुखी मन से ठीक कर रहा हूँ यार इसको, देखो आज पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं दुखी मन से ठीक करके दूंगा, कस्टमर से पैसे भी ले लूंगा, लेकिन यार पता नहीं कब क्या होएगा इसे। और वीडियो शेयर कर देना भाई दोस्तों में इस कबाड़े की, आपके दोस्त भी लोग भी जागरूक हो जाएं कि ऐसी एलईडी ना खरीदें बाजार से। लिखा है इस पे सैमसंग, ये देखो ये इसका आगे का। और एक बात और बताऊं, जब आप एलईडी खरीदने जाते हो ना, इस पे हाथ मार लिया करो ऐसे, अगर आपके हाथ मारने से ना आगे के ये छूट जाए ना, ये प्रिंट ये ऐसे चिपका रखे होते हैं लोगों ने, सैमसंग कुछ नहीं होता, ये देखो स्टिकर चिपके हुए हैं, ऐसे रिमोट पे चिपका देते हैं, जैसे ही आप नखून मारोगे तो सब उतर जाएंगे, ये कोई सैमसंग नहीं होता, ये सब लोकल है और थर्ड क्वालिटी, और थर्ड क्वालिटी से भी थर्ड क्वालिटी कबाड़ा लूटने का पूरा प्रोग्राम है ये। तो भाई रिक्वेस्ट है, जानकारी दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई चाहता है मैं बताऊँ कि ओरिजिनल और लोकल में क्या फ़र्क है, आप बाज़ार में जाओगे कंपेयर कर लोगे, और लोकल लेके नहीं आओगे ओरिजिनल लेके आओगे, कोई लोकल आपको बेच ही नहीं सकता ओरिजिनल बोल के कि ओरिजिनल है, और आप घर पे आके सोचो यार लोकल तो नहीं है, वहीं पे पहचान कर लोगे। मैं बता दूंगा 10 तरीके बता दूंगा आपको ऐसे, जिसको वीडियो ऐसी चाहिए तो भाई नीचे कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा मैं इस टाइप की कि आप अच्छे से पहचान कर पाओ लोकल कौन सी है ओरिजिनल कौन सी है। वो सोनी लिखा हो किसी पे, सैमसंग लिखा हो, तोशिबा लिखा हो, पैनासोनिक लिखा हो, एक मिनट में जान लोगे आप, ठीक है जी।